शिक्षा नीति 2020 द्वितीय तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकेंगे विश्वविद्यालय के छात्र। प्रियंका गांधी को यूपी कांग्रेस का चेहरा बनाना चाहते थे प्रशांत किशोर, राहुल गांधी की बात से हो गए थे नाराज। किसानों को लात मारने का वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम भूपेंद्र यादव का हुआ ट्रांसफर। ओवरटेक करते समय हादसा रोडवेज बस में, डीसीएम ने पीछे से मारी टक्कर, 5 यात्री घायल। निलंबित दरोगा को 20 सड़क बदमाशों ने घेरा, लाठी डंडों से किया अधमरा, आरोपियों की तलाश जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। सिद्धार्थनगर जहां 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का यूपी जोड़ो अभियान चल रहा है। पार्टी का ये कहना है कि यदि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली के तर्ज पर यूपी में भी बिजली पानी फ्री मुहैया कराई जाएगी। यूपी जोड़ो अभियान के तहत पूरे यूपी में 1 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान लतीफ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा में भी 25,000 लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 50,000 लोगों को पार्टी से जोड़ा जा चुका है। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी के आह्वान पर यूपी जोड़ो अभियान के तहत आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में पिछले 8 जुलाई से ये अभियान चला रही, जिसमें लोगों को आम आदमी पार्टी का सदस्य बनाया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि 8 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक इस अभियान को चलाकर हम पूरे प्रदेश के अंदर 1 करोड़ लोगों को आम आदमी पार्टी का सदस्य बनाने का काम करेंगे। जहां तक बात डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र की है, तो डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में हमने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस 1 महीने के भीतर हम लोग कम से कम 25,000 लोगों को आम आदमी पार्टी का सदस्य बनाएंगे। अभी तक डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में हमने 8 जुलाई से ही इस अभियान को चलाया है। आज के समय तक लगभग 5,000 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, और पूरे प्रदेश की जहाँ तक बात करें तो लगभग 15 लाख लोगों ने आज के डेट तक आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। खबर है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। कौशाम्बी में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रशासन पहले से ही तैयारी में जुट गया है। इस बार गांव देहात में सीएससी व पीएससी को पहले से तैयार किया जा रहा है। कायाकल्प के तहत इसमें मरम्मतीकरण की शुरुआत हो गई है। वहीं निगरानी समितियों को भी अभी से तैयार किया जा रहा है। युवाओं की टोली बनाई जा रही है। गाँव देहात के लोगों का अधिक से अधिक टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन का मकसद पहले से ही सभी तैयारी पूरी करना है। इसको लेकर मंजनपुर जिला अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हो रहा है, जो लगभग तैयार हो चुका है। अस्पताल में बेड की संख्या भी बढ़ा दी गई है। तीसरी लहर से बचाव के लिए डॉक्टरों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोरोना के लिए हम लोग यहाँ तीसरी लहर से मरीजों के लिए आवश्यक दवाएं हैं, बेड्स की व्यवस्था है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम हम लोग को और अच्छा होता जा रहा है। पहले सिलेंडर से देते थे, अब ये मशीन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग गया है, तो 500 लीटर पर मिनट ये देगा, तो 100 बेड ऑक्सीजन में चला जाएगा इससे सेंट्रल लाइन से। और 40 बेड का पीकू वार्ड भी बन गया है, उसमें भी हमारे यहाँ सभी डॉक्टरों को बच्चों को किस प्रकार से इलाज दिया जाए उसकी ट्रेनिंग दे दी गई है, विशेष करके पीडियाट्रिशियन को और स्टाफ को कैसे दे दिया गया, हैंडल कैसे करें। तो ये अब की बार हम लोग और भी पहले से सतर्क हैं, और जैसे ही अगर और जो भी मरीज हम लोग के यहाँ आता है, जो एडमिट होता है, उसका हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट पहले ही कर लेते हैं। अभी इत्तेफाक से किसी का पॉजिटिव नहीं आ रहा है, लेकिन जब आएगा तो उसका उसी के अनुरूप इलाज किया जाएगा। हर पेशेंट का हम लोग आरटीपीसीआर भेज रहे हैं, मैक्सिमम अपने तरफ से कर रहे हैं, ताकि अगर किसी को हो तो उसको हम लोग आइसोलेट करके ट्रीटमेंट करें, ताकि वो किसी दूसरे को ना फैला पाए। इस प्रकार से हम लोग तैयारी भी चल रही है और जाँच भी चल रही है, सब ठीक चल रहा है। ये माना जाए कि पूरी तैयारी हो गई है तीसरी लहर की, मतलब हम इन कोरोना से संबंधित सभी तैयारियां हम लोग पहली लहर भी देख चुके हैं, दूसरी भी हमारे यहाँ मेहनत से डॉक्टरों ने कार्य किया है, तीसरी में भी सभी उत्साह के साथ कार्य करने के लिए तैयार हैं।
खबर है उत्तर प्रदेश के इटावा से। इटावा जनपद के चकरनगर तहसील में पति पत्नी का विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने अपने पति पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। मामला थाना चकरनगर के अंतर्गत ग्राम बछेड़ी का है, जहां अश्वनी तिवारी का परिवार रहता है। अश्वनी की शादी 2005 में जहानाबाद के पास हुई थी। अश्वनी अहमदाबाद की L&T कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी करता है। वो 3 दिन पूर्व अपने गांव छुट्टी लेकर आया था। उनके 3 बच्चे हैं जो गांव में ही रहते हैं। अश्वनी के परिवार में माता पिता पत्नी और 3 बच्चे गांव में रहकर अपना भरण पोषण करते हैं। घायल अश्वनी के भाई गौरव ने बताया कि उनके भाई और भाभी के बीच में कोई विवाद हुआ, जिसके चलते भाभी ने सर में 7-8 बार कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, इससे वो गंभीर घायल हो गया। बीच बचाव में उतरे उनके पिता को भी हाथ में उनकी भाभी ने काट कर घायल कर दिया। आनन फानन में छोटे भाई गौरव ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घर पहुंचकर उनकी भाभी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने गंभीर घायल अश्वनी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उनको इलाज के लिए सैफई रेफर कर दिया गया है। मामला कुछ नहीं था, 3 दिन पहले हमारे भाई अहमदाबाद में L&T में जो मैनेजर है वहाँ जॉब करते हैं, तो वहाँ से छुट्टी आए। छुट्टी होने के बाद चूँकि मैं घर पर नहीं था और हम 3 भाई हैं, और 2 भाई अहमदाबाद हैं, मैंने महेबा निवास बना लिया, मैं वहीं रहता था जी। तो 3 दिन हुए, 3 दिन के बाद भैया आए, तो भैया मुझे मालूम नहीं था क्या हुआ घर में, लेकिन भाभी या भैया जो कुछ भी हुआ हो तो भैया खाना खा रहे थे, बता रहे थे, खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद जो भी हुआ, पीछे से भाभी आई कुल्हाड़ी लेके, उन्होंने ताड़ ताड़ 8 कुल्हाड़ी मारी, 8 घाव सर में, 8 घाव आए पूरे सर में इतने, जिसमें CS तुरंत मैंने इन्फॉर्म किया, कप्तान साहब को भी डायरेक्ट मैंने फ़ोन किया था, कप्तान साहब के PR साहब ने तुरंत फ़ोन किया थाना चकरनगर में, थाना चकरनगर संबंधित थाना पुलिस गई, पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाई। और इसके साथ साथ में मैं CSC वहाँ गया, मैंने वहाँ इनका रेफ़र करवाया, मैं जिला अस्पताल में मैं अब लेके आया हूँ, अभी सीरियस हैं ज़्यादा, मैं उनको लेके जा रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में। कारण कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत हुआ होगा, जो भी हुआ हो रहा होगा, वैसे कुछ था नहीं, आज दोनों लोगों के बीच में कुछ था नहीं। इससे पहले भी कभी कोई लड़ाई हुई? नहीं, वैसे कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। अभी एक अभी चली गई थी, बहाना बना के भैया वहाँ थे, तो एक बहाना बना के चली गई थी कि हमारे पापा की तबीयत ख़राब है, तो पापा ने हमारे ने गाड़ी कर दी थी, तो पापा लेके गए साथ में, तो ये रास्ते में जब CNG गाड़ी में डलाई तो ये उतर गई, बोले हम टेम्पू से चले जाएंगे, हम उतरेंगे नहीं, जब CNG डलाते तो ड्राइवर उतार देता है, तो इन्होंने कहा कि हम उतरेंगे नहीं, हमको तुम मरवा दोगे, तो उन्हें क्यों मरवा देंगे, हम क्यों, हम तो तुम्हें लेके चल रहे हैं, पापा ही थे केवल, बोले बेटा हम तो तुम्हें लेके चल रहे हैं, हम तुम्हें क्यों मरवा दें, तो ये गाड़ी से नहीं उतरी। इसके बाद फिर जब ये गई झूठ बोल के कि पापा की तबीयत ख़राब है, तो वहाँ जब ये पहुँची तो उन्होंने वहाँ पर जब देखा पापा ने, तो उनके पापा की तबीयत सही थी, तो बोले झूठ क्यों बोली, फिर बोले तुम जाओ हम नहीं जाएंगे। ऐसी कौन सी वजह रही है जो इतनी भयानक उन्होंने इनके ऊपर अपने हस्बैंड के ऊपर बोल दिया? कुछ तो समझ में आया। हमें तो ये लगता है कि ये वहाँ के गांव के लोग बताए थे कि अवैध संबंध है इनके वहाँ पे किसी लड़के से, इसीलिए ससुराल इनकी जहानाबाद, जहानाबाद के पास है, वह कमासिन गाँव पड़ता है, जहानाबाद से समथिंग 10 किलोमीटर दूर होगा, 8 राइट हैंड में। शादी 2005 में। तो ये बच्चे कितने? एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं। क्या करते हैं बच्चे? बच्चा एक पढ़ रहा है, बच्चियां 20 पढ़ रही हैं, यहीं रहती हैं सब लोग। हाँ नहीं, बछेड़ी गांव में, चकरनगर के पास। खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में एक बार फिर से प्राइवेट अस्पताल की कार्य प्रणाली सुर्खियों में है, जहाँ एक पेशेंट के मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टरों पर जमकर आरोप लगाए और पेशेंट के मौत का जिम्मेदार ठहराया। दरअसल पूरा प्रकरण थाना रसूलपुर स्थित लक्ष्मी फाउंडेशन का है, जहां एक मरीज को अचानक बेहोश होने पर लाया गया था, उसकी मौत हो गई। मृतक के बीमारदारों का कहना है कि अस्पताल ने जो ऑक्सीजन उनके मरीज को लगाया वो खाली था, सिर्फ पैसे बनाने के लिए ये सब किया, डॉक्टर तक मरीज को देखने की जहमत नहीं उठा रहे थे। अगर लापरवाही डॉक्टर और कर्मचारियों द्वारा नहीं की गई होती तो मरीज की मौत नहीं होती, अब उन्हें इंसाफ चाहिए। समस्या ये है, मेरे बच्चों को बुखार आया था जी, उसके डॉक्टर मुकेश साहब को दिखाया हमने आशाबाद पे, तो उन्होंने कहा बच्चे ब्लड कम है, आप ब्लड चढ़वा दीजिए, फिर बच्चे का ट्रीटमेंट हो गया, बच्चा अभी तक ठीक है, कोई बात परेशानी नहीं है, बच्चा ठीक है मेरा। लेकिन दोपहर को मैं 3 बजे ही आया हुआ हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को ब्लड नहीं भोजा करा पाएंगे। हम 4-5 लड़के और हमारे लड़के माँ जान उन्होंने भेजा था, वहाँ जा चुके हैं, उनका ग्रुप नहीं मिला है, तो वो कह रहे थे क्या हम अरेंज करा देंगे, चेंज करा देंगे, कौन सा ग्रुप है,
बी पॉजिटिव ग्रुप है बच्चे का मेरे, लेकिन उन्होंने अभी तक अरेंज नहीं कराया। कौन सा हॉस्पिटल है ये, कौन सा हॉस्पिटल है ये? लक्ष्मी हॉस्पिटल है। तो लक्ष्मी ब्लड बैंक के इनके नाम से ब्लड भी है, इनकी ब्लड बैंक भी है। वहीं गए जा रहे चक्कर काटते, क्योंकि 8-10 चक्कर काटी वहाँ के हमने। किन्होंने भेजा था आपको वहाँ? स्टाफ था। तो कोई ब्लड मुहैया नहीं कराया गया आपको? नहीं। तो पेशेंट के भी तभी क्या मामला? बच्चा ठीक है अभी तो, खैर ऐसा है ना कि जरूरत है ब्लड का, मैंने की जरूरत है ब्लड की। कितने घंटे हुए, कितने घंटे हुए इस बात? हम यहाँ आए हुए 3 बजे के। 3 बजे के आए हुए हैं, 10 बज रहे हैं अब। अब हम ये कह रहे हैं कि आ रहे बात करने के लिए, भाई यार एक घंटा रुक जाओ, 2 घंटे नहीं तो फिर हम वर्दी देखे जाके भाई। मतलब 8-9 घंटे हो गए, कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं दिया। स्टाफ वगैरह है या कोई? जी सर स्टाफ नहीं है, अब नहीं है। खबर है उत्तर प्रदेश के सीतापुर से। सीतापुर में सुरेंद्र पुत्र रघुवीर निवासी धर्मापुर थाना सदरा ने अपने घर को जाते समय ग्राम नरोजी के पास 3 अज्ञात युवकों को उनके पास से बैग व मोबाइल लेकर जाने की सूचना दी थी। संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सदरा पर धारा 392 भवदी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक श्री आरपी सिंह द्वारा घटना के शीघ्र अतिशीघ्र अनावरण व संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निकट पर्यवेक्षण में 4 टीमों का गठन किया गया। उक्त घटना करते समय प्रयुक्त मोटरसाइकिल की वास्तविक नंबर प्लेट बदल कर लगा दी थी। बाद में कुछ दूर जाकर दोबारा वास्तविक नंबर प्लेट पुनः लगा दी थी ताकि हम लोग पकड़ में न आ सकें। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त शेष एक अभियुक्त मनीष की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा आप सबको मालूम है कि दिनांक 12 तारीख को थाना संदना में एक इंडियन बैंक है, वहाँ से बैंक का जो बैंक करेस्पॉन्डेंट है सुरेंद्र, वो अपने कस्टमर्स के लिए 1,63,000 रुपये निकाल कर अपने गांव जा रहे थे। इसी बीच में नहर की कुलिया पर 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर बैठ गए और तमंचा दिखा के इनसे बैग छीन लिए थे और लेकर के भाग गए थे। सुरेंद्र ने थाने पर मुकदमा लिखवाया था, जिसमें ग्रुप का मुकदमा हम लोग पंजीकृत किए थे और उसमें उन्होंने बताया था कि वो गाड़ी का जो नंबर है वो शाहजहाँपुर जनपद का है, वो प्लेट आपने गाड़ी का देखा थी। इसमें इस सूचना पे आपको मालूम है कि आईजी रेंज लखनऊ महोदय मौके पे आई थी, एसपी महोदय गए थे और हमारे थाने के द्वारा बहुत मैसिव काम किया गया। उसमें वहाँ के सी मैसिव के नेतृत्व में करीब 4 टीमें का गठन किया गया था, लोगों ने एक बहुत बड़ा काम, अच्छा काम किया इन लोगों ने और मैनुअल मुखबरी से घटना वर्कआउट हुई। जानकारी ये हुई कि वहीं के बगल नरबीरपुर गांव है, वहां का एक सातर अपराधी मनीष है जो पहले भी जेल जा चुका है और वो अपने गांव के पवन के साथ और एक लड़का है छोटा है जो बालक बेचारे उसको मतलब 16 साल नाम नहीं बता सकते उसका, ये 3 लोग बैंक में गए थे और इन लोगों ने 12 तारीख को बैंक में रैकी किया। इनका फुटेज भी उस जो है उसमें है कैमरे में बैंक के और ये रैकी भी कर रहे हैं। बाद में जब वो लड़का सुरेंद्र पैसा लेकर निकला वहां से और नहर किनारे गया तो ये लोग अपना गाड़ी पे बैठ के चले गए और तमचा दिखा के लोगों ने बैग छीन लिया था। मनीष चूंकि सातर है वो तत्काल फरार हो गया, लेकिन जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक बालकचारी और एक अभियुक्त पवन है, क्योंकि पूरा 1,63,000 रुपये की का जो है लूट हुई थी उसमें जो इनके हिस्से में पैसा आया था उसमें से लगभग 1,11,400 रुपये पूरे के पूरे बरामद हो गए, क्योंकि पूरा पैसा 3 पार्ट में बांटा गया था। 1/3 पैसा पवन ने लिया था, 1/3 पैसा बालकचारी के पास था है हाओ और 1/3 मनीष लेके चला गया था। तो 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, उनके पास से 1,11,400 रुपये इसमें बरामद हो चुके हैं और जो गाड़ी जिससे लूट हुई थी जिसमें कुछ निशान भी थे लाल रंग के, वो गाड़ी भी बरामद हो गई और उसी गाड़ी के बगल के बैग से कैरी बैग से एक नंबर प्लेट बरामद हुआ जिस जो लगा के लोगों ने लूट किया था। ये सभी लोग नंबर प्लेट बार बार चेक करते थे और उससे लूट करके गाड़ी में नंबर प्लेट पर लगा लेते थे सभी लोग। हमारी टीम इसमें लगी हुई है, मनीष सभी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। शेष जो पैसा करीब 50-55,000 रुपये बचा हो उसके पास है और बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे इसको, हम सभी लोग पैसा बरामद करेंगे। ये एक सातर गैंग है जो पहले मिसेस से भी नकबदनी चोरी में जेल गया है और ये लोग घटनाएँ स्नैचिंग की बाहर करते रहते थे लेकिन कभी ये लोग जेल नहीं गए, तो इनके मन बढ़े हुए थे, लोगों ने बैंक में धावा मार दिया। अभी की जानकारी में यही आया कि ये लोग 1 या 2 बार जेल गए हैं और ये बड़ी घटना है लोगों ने पहली बार। पता कैसे चलता था, कैसे लोग बात करते थे? क्योंकि इनका जो नरबीरपुर गांव है बैंक के बगल में ही है और वो बैंक जो है बिल्कुल सड़क पे ही है। ये लोग बैंक के पास जाते थे, बैंक में 1-2 बार घूम के निकले, वहाँ देखते किसी के पास अच्छा कैश निकल रहे हैं और अकेले जा रहा आदमी उसके पीछे लोग बोल लेते थे। ये घटना उसी प्रकार से कारित की गई।
एक बहुत अच्छी घटना वर्कआउट हुई है। पूरी पुलिस टीम को आज रेंज महोदया ने 25,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।